नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम श्री मद्भगवत गीता में तृतीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से कर्म का उपदेश किया है उसके विषय में पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म कृते कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणै। कि कश्चित कोई भी व्यक्ति क्षणमपि क्षण भर के लिए भी अकर्म कृत न तिष्ठति। कि कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी पल भर के लिए भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। वह प्रकृति जैर्गुणै, जो प्रकृति से स्वाभाविक रूप से जो गुण हैं उनके वश में होकर के सर्व सभी व्यक्ति कर्म कार्यते कर्म करते रहते हैं। प्रकृति के गुणों के कारण ही सभी व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। वो क्षण भर के लिए भी बिना कार्य किए बिना कर्म किए नहीं रह सकते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। कि जो व्यक्ति कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, अपनी जो कर्मेन्द्रियाँ होती है, एकादश इंद्रिया होती है, पांच कर्मेंद्रिया होती है, पांच ज्ञानेंद्रिया होती है और एक होता है मन। तो व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को, जैसे हाथ पैर गुदा पायु, इन सब को तो वह वश में कर लेता है, लेकिन उन इंद्रियों के विषयों को मनसा स्मरण, मन से चिंतन करता रहता है। उसके मन में तो उन इंद्रियों के भोग विलास की लालसा रहती है। ऐसा विमूढ़ात्मा, ऐसा जो मूढ़ जो मूर्ख व्यक्ति है, वह मिथ्याचार उच्यते, वह मिथ्या झूठा आचरण करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति दम्भी होता है, पाखंडी होता है ऐसा व्यक्ति। इसलिए अपने को केवल कर्मेंद्रियों से ही नहीं, अपने मन से भी अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए और निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। आगे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप शास्त्रों में जो विहित कर्म है उनको नियत रूप से करते रहो। कहा है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मण है शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्ध ये कर्मण है। कि त्वम हे अर्जुन, त्वम तुम नियतम कर्म करू, नियत रूप से कर्म करते रहो, नियमित रूप से कर्म करते रहो। जो शास्त्रों में विहित कर्म है, जो करने योग्य कर्म है, उनको तुम नियमित रूप से करते रहो। क्योंकि अकर्मण है कर्म ज्यायो हो, क्योंकि कर्म नहीं करने से, अकर्मण है कर्म नहीं करने से, कर्मण है जो कर्म है वही श्रेष्ठ होता है, कर्म करना ही श्रेष्ठ होता है। जो कर्म नहीं करते हैं उनकी शरीर यात्रा अपी न प्रसिद्ध ये, उनका जीवन निर्वाह भी नहीं हो पाता है। इसलिए अपने जीवन निर्वाह के लिए व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है तदर्थम कर्म कौनते ये मुक्त संगय समाचर है। कि हे अर्जुन, यज्ञार्थात कर्मणो, कि यज्ञ के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों के अलावा लोको अयम कर्म बंधन है, उन यज्ञ के अतिरिक्त जितने भी कर्म हैं वो इस संसार में कर्म बंधन है, वे कर्म बंधन का कारण होते हैं। इसलिए अपने को त्याग भाव से कर्म करते रहने चाहिए। यज्ञ का यहाँ पे अर्थ होता है त्याग भाव, क्योंकि हम कोई भी यज्ञ करते हैं तो उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अवशिष्ट बचा हुआ होता है, उसी का हम उपभोग करते हैं, तो वहाँ पे हमारा त्याग भाव परिलक्षित होता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगय समाचर है। इसलिए हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र कौन्तेय, अर्जुन मुक्त संगय आसक्ति भाव से रहित होकर के अनाशक्त भाव से कर्म समाचर तुम कर्म करते रहो। उन कर्मों के प्रति आसक्ति को उत्पन्न मत होने दो, क्योंकि यदि उन कर्मों के प्रति आपकी आसक्ति हो जाएगी तो आप उन कर्मों के बंधन में पड़ जाओगे, जिससे वो आपके मोक्ष के मार्ग में बाधा बनेंगे। देवान भाव्यता ने न
ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय ब्रह्म अवाप्षत। कि देवान भावयता अनेन, कि अनेन इस यज्ञ के द्वारा, इस निष्काम कर्म के द्वारा देवान भावयते, तुम देवताओं को पुष्ट करो, तुम देवताओं को उन्नत करो। ते देवा भावयन्तु वह, यदि वो देवता आपके द्वारा पुष्ट हो जाएंगे, आपके द्वारा प्रसन्न हो जाएंगे, तो ते देवा वे देवता भावयन्तु वह, वो आपको पुष्ट करेंगे, आपको उन्नत करेंगे। इस प्रकार परस्परम भावयन्त है, इस प्रकार आप देवताओं को और देवता आपको पुष्ट करते हुए, उन्नत करते हुए श्रेय परम अवाप्षत, आप दोनों ही परम कल्याण को प्राप्त करो। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुज्यन्ते ते त्वम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः, कि यज्ञ में शिष्ट जो अवशिष्ट भोजन पदार्थ होते हैं उनको अशिनः संतो, उनका उपभोग करने वाले, उनको खाने वाले जो सज्जन लोग हैं, कि यज्ञ में जो बचा हुआ पदार्थ होता है उनका उपभोग करने वाले जो सज्जन लोग हैं, वे सर्व किल विषय मुंचते, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ में अवशिष्ट भोजन को खाने से, उसका उपभोग करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो केवल अपने निमित्त ही, जो केवल अपने और अपने परिवार के निमित्त ही भोजन पकाते हैं, वे तो अघम भुंजते, वे तो केवल पाप का उपभोग करते हैं। पुण्य तो केवल त्याग भाव से सभी को साथ लेकर के चलने से ही मिलता है, केवल अपने उन्नति के लिए, केवल अपने लिए पकाने से ही पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद न संभव है, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अब कहा है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, कि अन्न से भूतानि प्राणी उत्पन्न होते हैं, कि जितने भी ये प्राणी हैं वो सभी अन्न से उत्पन्न होते हैं। पर्जन्याद अन्न संभव है, और पर्जन्य होता है बादल, लेकिन यहाँ पर हम वर्षा अर्थ लेंगे कि वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। पर्जन्याद अन्न संभव है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। यज्ञात भवति पर्जन्यो, और जो वर्षा होती है वह यज्ञात भवति, यज्ञ से उत्पन्न होती है। यज्ञ कर्म समुद्भव है, और यज्ञ कर्म से होता है। कर्म यह होगा इसका, इस क्रम में इसको समझेंगे कि कर्म से तो यज्ञ उत्पन्न होगा, और यज्ञ से वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो अन्न उत्पन्न होगा, और यदि अन्न होगा तो ये सभी प्राणी उत्पन्न होंगे। अब अन्न से प्राणी कैसे होंगे, कि हम जो अन्न का उपभोग करते हैं उससे जो वीर्य परिणत होता है, उसी के परिणाम स्वरूप इन सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, और बाद में उन प्राणियों का भरण पोषण भी उस अन्न के द्वारा ही होता है जिसके द्वारा वो जीवित रहते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। और जो कर्म है वह ब्रह्मोद्भवम विद्धि, इस कर्म को तुम ब्रह्म से उत्पन्न समझो। अब यहाँ पर जो ब्रह्म है वह वेद के लिए प्रयुक्त हुआ है, कि वेदों में जो कर्म उक्त है, जो कर्म का कथन किया गया है, वेदों में उक्त कर्म ही श्रेष्ठ कर्म बताया गया है। और कर्म से ब्रह्माक्षर कर्म समुद्भवम, जो ब्रह्म है वह अक्षर समुद्भवम, वह वेद अक्षर समुद्भवम उसे परम पिता परमेश्वर से उत्पन्न है। कर्म तो वेदों से उत्पन्न है, और वह जो वेद है वह उसे परम पिता परमेश्वर से उत्पन्न है। तस्मात इसलिए सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए आप इस सर्वव्यापी ब्रह्म को, उस परमपिता परमेश्वर को नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम, नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित समझो। इसलिए हमको सभी को निष्काम भाव से कर्म करते रहने चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करने से ही हमारे को मोक्ष की प्राप्ति